शिलाई क्षेत्र की दलित समुदाय की एक युवती के साथ हुए बलात्कार मामले को लेकर आज दलित समुदाय के अलग अलग संगठनों ने संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय नाहन में प्रदर्शन किया। दलित समुदाय के लोगों ने मांग की है कि पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। भीमार्मी भारत एकता हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रवि कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज दलित समुदाय के लोगों पर लगातार अत्याचार बढ़ रही है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आज लगातार दलित समुदाय के लोगों पर अत्याचार बढ़ रही है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। अनुसूचित जाति मोर्चा का जो हमारा छात्रों का जो ये एक आंदोलन है, जिसे नाहन के छात्रों ने एक्टिव कमेटी जो है नाहन की अनुसूचित जाति मोर्चा की, उसने आयोजित किया है और उन्होंने प्रदेश के सभी संगठनों को बुलाया गया था। मैं भीम आर्मी का स्टेट प्रेसिडेंट हूं और हमारे प्रदेश के अंदर यहां सिरमौर के अंदर आपके नाहन और आपके जो हमारे प्रदेश के कई जिला ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा जिलों में अपने सिरमौर के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ घोर अत्याचार हो रहे हैं। कई मामलों को पुलिस के पास ले जाया जाता है, वहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी एप्लीकेशन फाड़ देते हैं। जैसे कि अभी इस मामले में हुआ है, बच्ची के साथ घोर अत्याचार हुआ है, उसको निवस्त्र किया गया। उस मामले के बाद वहाँ के पुलिस अधिकारी ने उसकी एप्लीकेशन को फाड़ दिया और उसके बाद जब मैं कांगड़ा के दौरे पर था, मंडी के दौरे पर था, हमने SP साहब से बात की है, जम्बाल साहब से बात की है, उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया था कि हम उसी अगले दिन जो है इस मामले में जो एट्रोसिटी एक्ट की धाराएँ, पॉस्को एक्ट की धाराएँ और तमाम धाराओं के तहत जो है हम गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई और जब इन छात्रों ने दम दिखाया और इन लोगों ने जो है अपनी बहन के लिए और हमें भी इस बात के लिए बोला गया कि आप हमारे साथ आइए, हमने दम और खम से पूरी सिरमौर पौंटा की टीम भीम आर्मी की यहां पर पहुंची है और हम पुलिस प्रशासन को सख्त लहजे में कह देना चाहते हैं, या तो आप कानून को जो है सही ढंग से इम्प्लीमेंट करिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि पूरे प्रदेश में दलित समाज जो है सड़कों पर हो और इस दोषी को तुरंत से तुरंत जो ये आपने गिरफ्तारी की है, यह नाम मात्र गिरफ्तारी दिखाने की है, लेकिन इसको जो है फास्ट ट्रैक में इसका मामला चलाया जाए और तुरंत से तुरंत इस कार्रवाई को जो है कोर्ट के अंदर पेश किया जाए और इस दोषी को भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है इसके जो है फांसी की मांग करता है। अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीर सुख ने कहा कि शिलाई क्षेत्र में दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में शिलाई पुलिस ने लापरवाही बरती है। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे मामलों को लेकर सुस्त रवैया अपनाती है, जिसके चलते आरोपी फरार होने में कामयाब होते हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ऐसी घिनौनी घटनाओं में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि दलित समुदाय के लोगों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही सुनवाई की जाए, ताकि जल्द से जल्द दलित समुदाय के लोगों को इंसाफ मिल सके। आज हम इस प्रोटेस्ट को इसलिए करने जा रहे हैं, जो शिलाई की पुलिस ने उस गुड़िया के साथ जो लापरवाही की, गिरफ्तार करने में जो लापरवाही की, उसके खिलाफ हमको सड़कों में उतरना पड़ा। हम प्रदेश के उस पुलिस प्रशासन से इसलिए नाराज है, जब भी कोई विक्टिम, कोई भी अपराधी जिस गिरफ्त में आता है, जिसकी जो ऑफेंसेस उसके खिलाफ बनता है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं करती। आज हमारा जो अनुसूचित जाति का जो आज प्रोटेस्ट है, वो इसलिए है कि हमारे साथ आए दिन दलितों को एक टारगेट किया जाता है, हमारी माँ बहन बेटियों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि हमारे साथ एक नाइंसाफी होती है। जो प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन होता है, हमारे जो लोग हैं वो असहाय और बेसहारा होते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के साथ जब भी एट्रोसिटीज होती है तो हमारी सुनवाई नहीं होती। मुझे सुनने में आया है कि शिलाई के अंदर जो विक्टिम थी, वो जो अपनी FIR के लिए प्रस्ताव जो वहाँ रखा था, जो एप्लीकेशन पुलिस प्रशासन के माध्यम से दी थी, कि उसकी जो एप्लीकेशन थी उसको फाड़ दिया था। मैं स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूँ, जिस भी पुलिस के अधिकारी ने उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया है, उसको तत्काल उसके ऊपर जांच बैठाई जाए और उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाए। हम इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर हम जो अनुसूचित जाति के
जो पीड़ित लोग होते हैं, हम की हमारी जो सुनवाई होती है, उस सुनवाई के लिए मैं प्रदेश सरकार से, माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे हिमाचल प्रदेश से है, उनसे मैं मांग करता हूं कि एट्रोसिटी के जो मुकदमे हैं और जो हमारे साथ पीड़िता है, हमारी जो पीड़िता होती है, माता बहन होती है, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का हमारे लिए एक दरवाजा बनाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालतें चलाई जाए, ताकि जल्दी से जल्दी एट्रोसिटी के जो मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए उन अदालतों के पास, ताकि जो हमारे मामले लंबित ना हो, जो हमारे मामलों में एट्रोसिटी के मामले में, चाहे वो अनुसूचित जाति के मामले हो, चाहे बलात्कार के मामले हो, उसमें जो गवाहियां होती है उन गवाहियों को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे स्थानीय पुलिस का प्रोटेक्ट सहारा दिया जाए, ताकि हम उन गवाहियों को प्रभावित ना किया जा सके। और मेरी प्रशासन से यह भी मांग है कि हमारे लिए जो संविधान में जो हमारे लिए मूलभूत अधिकार है, उन मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी सरकार कड़े कदम उठाए और स्थानीय प्रशासन भी कड़े कदम। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। 17 के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइफ टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।